वालेकुम जी, ट्विन सिटीज के चैनल पे उसामा परवेज की तरफ से आपको खुशामदीद। आज ही हम खड़े हैं नोवा सिटी में। नोवा सिटी का क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा मार्केट में नोवा सिटी चल रही थी, तो पीछे हमने नोवा सिटी को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। ऑफिस में हमने वीडियोस बना दी, उनकी साइट विजिट भी हो गए हमारे। हमारे सीईओ साहब खुद आए हैं, उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस कराई है, प्रॉपर आके साइट पे नोवा सिटी को इंट्रोड्यूस कराया। उसकी सारी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन थी, लीगल स्टेटस, जो ग्राउंड पे ज़्यादातर चीज़ें थी वो दिखाई है, कुछ हद तक डेवलपमेंट स्टेटस भी बताया गया, कुछ दिखाया गया। तो आज इस टाइम पे इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में बताऊंगा। आपको मैं बताऊंगा कि इस वक्त इस टाइम पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे इनकी कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है और इस टाइम क्या स्टेटस है। तो अगर हम आप देख सकते हैं, एंट्रेंस से हम स्टार्ट करते हैं, तो एंट्रेंस से स्टार्ट होते ही बिल्कुल हमारे राइट साइड पर ये कटिंग शुरू हो जाती है। तो यूजुअली ऐसे होता है कि जब कोई भी सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं या कोई भी सोसाइटीज़ आती हैं, तो वो अपनी एंट्रेंस के साथ या बुलेवार्ड के साथ अपना कमर्शियल ही लॉन्च करती है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक नोवा सिटी की तरफ से कमर्शियल लॉन्च नहीं हुआ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसी तरह जो बाकी सोसाइटीज़ अपना कमर्शियल बुलेवार्ड के साथ लॉन्च करती हैं, कि नोवा सिटी भी अपना कमर्शियल आने वाले वक्त में इसी जगह पर लॉन्च करेगी। तो ये कुछ कटिंग्स हैं जो इन्होंने बॉलीवुड के साथ दी हैं। ये मेन बॉलीवुड है, इसके साथ ये कटिंग्स हैं। वी होप कि ये कटिंग्स जो हैं ये कमर्शियल की ही होंगी। और इसके साथ अगर आप देखते हैं तो ये कटिंग एक्सटेंड हो रही हैं, मज़ीद आगे तक जा रही हैं। यहाँ से आगे तक आपको लेके जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। आगे तक मज़ीद जितनी भी डेवलपमेंट है उस इस वीडियो में पूरी की पूरी डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। आप मेरे साथ रहिए, आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। इसकी जो बाकी की डेवलपमेंट है वो स्टेटस सारा देखते हैं, इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते हैं, तो मेरे साथ रहिए जी। तो मैंने आपको एंट्रेंस पे जो उसकी मेन कटिंग्स हुई हुई थी बॉलीवुड के साथ, वो मैंने आपको दिखाई थी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सोसाइटी का बॉलीवुड जहाँ पर बन रहा है, जहाँ तक वो बना पड़ा है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सोसाइटी का बॉलीवुड है, जो उनका मेन कॉन्क्रीट रोड है, वो यहाँ तक ही है। इससे आगे जो हैं वो इनकी कटिंग्स जो हैं वो कुछ ज़्यादातर हुई हुई हैं, कंक्रीट भी बाज़ जगह पे डली हुई है। जो आगे इसकी कटिंग्स हैं वो उसकी साथ साथ जारी हैं, हो रही हैं, मशीनरी लगी पड़ी है इस टाइम पे। तो बात करने का मकसद ये था कि जब कोई भी सोसाइटी आती है, कोई भी सोसाइटी अपनी प्री लॉन्च पे इतनी डेवलपमेंट जो यहाँ पे इस टाइम ग्राउंड पर मौजूद है वो नहीं दे सकती। ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो हैं वो आती हैं प्री लॉन्च पे, एक जस्ट उनके पास ग्राउंड वर्क होता है या अर्थ वर्क होता है उनके पास, इस लेवल तक की डेवलपमेंट उनके पास यहाँ पे बाज़ सोसाइटी मैक्सिमम सोसाइटीज़ के पास नहीं होती। तो नोवा सिटी उन सोसाइटीज़ में से एक सोसाइटी है जो इस टाइम पे प्री लॉन्च पे इस लेवल तक की जो डेवलपमेंट है वो आपको दे रही है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में इनकी जो डिलीवरेंस है या जो इनकी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या हो। तो इस ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो कटिंग्स हैं वो भी इस टाइम हो चुकी हैं। यहाँ पे पीछे उनकी जो है साइट ऑफिसेज हैं, यहाँ पे इनकी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहा है और कुछ चीज़ें बन चुकी हैं। राइट साइड पर बिल्कुल कटिंग्स जारी हैं, मशीनरी लगी पड़ी है। तो ये वो सीनारीज हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई भी सोसाइटी जो है वो अपनी प्री लॉन्च पे इस लेवल की डेवलपमेंट दे रही है, तो वो अपनी लॉन्चिंग पे या कुछ टाइम लॉन्च के या प्री लॉन्च के होने के बाद कुछ टाइम में किस लेवल तक की डेवलपमेंट कर सकती है। तो ये कुछ ओवरऑल एक एरिया था, एक जनरल सा एरिया था। इसमें अब मज़ीद इसकी कटिंग्स भी हैं, लेफ़्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, लेकिन मेन चीज़, मेन वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चल सके कि प्री लॉन्च पे नोवा सिटी की इस टाइम ग्राउंड डेवलपमेंट क्या है, किस लेवल तक का ये काम कर चुकी हैं, किस स्पीड से ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे मशीनरी लगी पड़ी है या यहाँ पे मोबिलाइजेशन है या नहीं है, तो किस लेवल के यहाँ पे मामलात हैं। स्पोर्ट्स हब जो इनका है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनका बन रहा है, मस्जिद इनकी बन रही है यहाँ पे, साइट ऑफिसेज यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, यहाँ पे इस टाइम पे इनकी अपनी टीम्स बैठी हैं, डीलिंग्स हो रही हैं इनकी। तो ये एक ओवरऑल सोसाइटी के लिए एक बड़ी गुड वाइब्स हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स हैं कि सोसाइटी जो अपनी डिलीवरीज की तरफ किस स्पीड से जा रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले जल्द अज जल्द वक्त में ये सोसाइटी ज़्यादातर डेवलपमेंट करके अपने क्लाइंट्स या एंड यूज़र्स को मैक्सिमम फैसिलिटेट करेगी।
तो आप अपनी बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और कोई भी क्यूरी है, किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप हमसे UN नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हमारी टीम आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देने के लिए हाजिर रही। इजाज़त चाहता हूँ, आपकी दुआओं का तलबगार। अल्लाह हाफिज़। Ramadan.